हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम 28th जनवरी 2023 और 15th और 16th जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहले हम 28th जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद फिर हम 15th और 16th के एंड पे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2023। इंडिया ने 26 जनवरी 2023 को कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया? 73rd, 74th, 75th, 76th। तो राइट आंसर इज 74th। और फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था 1950 में। और जो 2023 इस रिपब्लिक डे की परेड पे चीफ गेस्ट थे वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये अप्रूव किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये एनफोर्स हुई थी 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन 1930 में, मतलब 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। 26 जनवरी 1930 को मतलब इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो इसी वजह से इसको फिर रिपब्लिक डे बाद में रखा 26 जनवरी को ही। तो 26 जनवरी 1950 को फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी एनफोर्स हुई और इसी डे को फिर रिपब्लिक डे रखा गया, इसी वजह से कि 1930 में इसको इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था INC ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स फॉर 2023। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्मा अवार्ड्स अप्रूव किए हैं 2023 ईयर के लिए, इस साल के लिए कितने पद्मा अवार्ड्स अप्रूव किए हैं? 105, 106, 107, 108। राइट आंसर इज 106। और इनमें से 106 टोटल हैं, तो इसमें से 6 पद्मा विभूषण है, 9 पद्मा भूषण है, 91 पद्मश्री है। तो पद्मा अवार्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है विभूषण, तो वो 6 हैं, फिर होता है पद्मा भूषण, वो 9 है, और फिर होता है उसके बाद पद्मश्री। और इसमें से 19 अवार्ड इज वुमेन हैं, और 2% जो हैं वो फॉरनर्स हैं या नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज इंडियन सिटीजन जो हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो 2% वो हैं जिनको ये दिया गया है पद्म अवार्ड। और 7 जो अवार्डीज हैं वो पोस्टमसली हैं, मतलब जिनकी डेथ हो गई है उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया है पोस्टमसली, तो वो 7 हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर डिफेंस पर्सनल के लिए कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं? 409, 410, 411, 412। राइट आंसर इज 412। और इसमें से 6 कीर्ति चक्र हैं और 15 शौर्य चक्र हैं। हु हैज वन द ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता है? ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विराट कोहली, बाबर आजम, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ। राइट आंसर इज बेन स्टोक्स, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये लिस्ट है ICC अवार्ड विनर्स की 2022 की। सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये दी गई है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के हैं, जिनको ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया गया है। मेंस ओडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बाबर आजम पाकिस्तान। वुमेंस ओडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉट स्कीवर इंग्लैंड। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्या कुमार यादव इंडिया। वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहलिया मैगरा ऑस्ट्रेलिया। वुमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह इंडिया। तो ये लिस्ट थे अवार्ड्स की जो ICC ने दिए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेशनल COVID-19 वैक्सीन अनवील बाई डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इंडिया के मिनिस्टर हैं। तो
वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन इस जिसको अनवील किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, तो इसका नाम क्या है? इनकोवैक, इंट्रा कोविड, पेनवैक, नसल को। राइट आंसर है इनकोवैक। इसको डेवलप किया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट की कोलेब्रेशन के साथ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, किया गया है? शंघाई, मुंबई, टास्केंट, कराची। राइट आंसर इज मुंबई इन इंडिया। और इसमें टोटल 57 फिल्म जो है स्क्रीन होंगी SCO फिल्म फेस्टिवल में, और दो फिल्म्स इसमें इंडिया की हैं। एक है गोदावरी जो कि मराठी फिल्म है, इसको डायरेक्ट किया है निखिल महाजन, और दूसरी है गुजराती फिल्म, उसका नाम है द लास्ट फिल्म शो डायरेक्टेड बाय पेन नालिन, और इनको नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से। तो टोटल है 57 फिल्म्स। थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन। थर्ड एडिशन एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, दिल्ली। राइट आंसर इज नागालैंड, और नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया गया है जो नागालैंड की कैपिटल भी है। विच कंट्री अनवील द फर्स्ट कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन ड्रिलिंग प्रोग्राम? किस कंट्री ने फर्स्ट कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन ड्रिलिंग प्रोग्राम अनवील किया है? जिम्बाब्वे, युगांडा, साउथ अफ्रीका, कीनिया। राइट आंसर इज युगांडा। नेक्स्ट है, हु विल ट्रेन 10,000 इंडियन वुमेन एज साइबर संगिनीज? कौन 10,000 इंडियन वुमेन को साइबर संगिनीज ट्रेन करेगा, मतलब उनको साइबर नॉलेज होगा, साइबर स्किल होंगे? ओप्पो, रियलमी, एप्पल, सैमसंग, मतलब किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कंपनी ये ट्रेन करेगी? तो राइट आंसर इज ओप्पो। ओप्पो इंडिया और गवर्नमेंट कमीशन सर्विस सेंटर एकेडमी ने अनाउंस किया कि वो 10,000 वुमेन को ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर वेलनेस के लिए ट्रेन करेंगी इंडिया में, और ये प्रोग्राम जो है साइबर संगनी प्रोग्राम, इसको सपोर्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड आईटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इसको सपोर्ट करेगी, और इसका एम है कि वुमेन को स्किल और नॉलेज प्रोवाइड किया जाए साइबर के रिलेटेड, मतलब जो ये साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, उनको साइबर क्राइम्स के अवेयर किया जाए साइबर क्राइम से। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? होलोकॉस्ट मतलब कोई तबाही होती है जब, तो कोई मतलब लॉस होता है, कोई ट्रेजडी होती है, और इंसानों का लॉस भी होता है, मतलब डेथ्स भी होती, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसको कहते हैं हॉलोकॉस्ट। तो इस किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? 26 जनवरी, 27, 28, 29। राइट आंसर इज 27 जनवरी। और 2023 की थीम है होम एंड बिलोंगिंग, और इसको इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ट्रेजडी हुई थी, मतलब बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑन 27 जनवरी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू एंटर द मेटावर्स? तो यहाँ तक थे, यहाँ इस क्वेश्चन तक थे हमारे 28 जनवरी के क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स, और यहाँ से आगे हम 15th और 16th जनवरी के करंट करेंगे, क्योंकि हमने 18th ऑनवर्ड स्टार्ट किए थे, तो 17th तक हमने मिस किए थे, तो वो भी अब हम कवर करेंगे। तो कल हमारा लास्ट होगा, कल 17th भी कवर होगा, तो पूरा मत अब आपका फर्स्ट जेन से ही आगे तक हमारा कवर होगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू एंटर द मेटावर्स? कौन फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनी है जिसने मेटावर्स एंटर किया है? हॉकी इंडिया, बीसीसीआई, मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फुटबॉल इंडिया, कबड्डी, राइट आंसर इज हॉकी इंडिया। नेक्स्ट है, DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द पृथ्वी सेकंड मिसाइल ऑन द कोस्ट ऑफ। DRDO ने सक्सेसफुली पृथ्वी सेकंड मिसाइल किस पोस्ट पे लॉन्च किया था? कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, राइट आंसर इज उड़ीसा कोस्ट। और DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। कॉन्स्टेंटीन सेकंड फर्स्ट अवे एट 82, ही वाज़ द फॉर्मर एंड लास्ट किंग ऑफ। कॉन्स्टेंटीन सेकंड की डेथ हुई थी 82 ईयर्स में, तो ये किस कंट्री के किंग थे? फॉर्मर किंग थे और लास्ट किंग भी थे, मतलब उस कंट्री के ये लास्ट किंग थे। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, आयरलैंड, फिनलैंड, राइट आंसर इज ग्रीस। विच इंडियन लैंग्वेज इज ऑल सेट टू बी टॉट इन पब्लिक स्कूल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कौन सी इंडियन लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाएगी, मतलब ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी? हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, राइट आंसर इज पंजाबी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन, किस स्टेट ने अप्रूव किया है 30% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब 30% जॉब्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी? पंजाब, उत्तराखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, राइट आंसर इज उत्तराखंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पे हेल्ड होंगी, कहाँ पे ये गेम्स खेले जाएंगे, किस स्टेट में? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। और इसका मस्कॉट है आशा और थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद स्टेट, सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? हरियाणा, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तराखंड, द राइट आंसर इज त्रिपुरा स्टेट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज गंगा विलास है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ इन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर क्रूज जिसका नाम है, क्रूज मतलब ये शिप है, गंगा विलास इसको कहाँ पे चलाया गया है, कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है? वाराणसी, पटना, कोलकाता, चेन्नई, राइट आंसर इज वाराणसी। एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडियाज इकॉनमी विल ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 2023 बाय, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की इकॉनमी कितने परसेंट फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्रो करेगी? 6.9%, 7.3%, 7.8%, 9.0%, राइट आंसर इज 6.9%। सारंग 2023 इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, सारंग 2023 जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, द राइट आंसर इज IIT मद्रास इन चेन्नई। विच स्टेट्स ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट हैज गॉट द रिकॉग्निशन फॉर बेस्ट मॉडल टू प्रमोट MSMEs, किस स्टेट का ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज बेस्ट मॉडल टू प्रमोट MSME, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको प्रमोट करने के लिए किस स्टेट के मॉडल जिसका नाम है ईयर ऑफ एंटरप्राइज को बेस्ट रिकॉग्नाइज किया गया है? गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, राइट आंसर इज केरला। रिन्यू पावर हैज इंस्टॉल इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर्स इन, रिन्यू पावर ने इंडिया के फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर कहाँ पे इंस्टॉल किए हैं? गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, राइट आंसर इज कर्नाटका। इंडियाज फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी विल बी सेटअप इन, इंडिया का फर्स्ट सोलर प्लांट हाउसिंग सोसाइटी के लिए कहाँ पे सेटअप होगा? गांधीनगर, मुंबई, थिरुवनंतपुरम, चेन्नई, राइट आंसर इज मुंबई। इंडिया विल सेंड 3 persons टू हाउ मेनी मीटर्स बिलो द सी लेवल अंडर समुद्रयान मिशन, इंडिया 3 persons को कितने समुद्र की कितनी गहराई तक
नीचे भेजेगा समुद्रयान मिशन के अंडर, मतलब जो समुद्रयान मिशन है इसमें 3 पर्सन को समुद्र में भेजा जाएगा और कितनी डेप्थ तक वो जाएंगे वो हमने बताना है। 4000 मीटर, 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर। राइट आंसर इज 6000 मीटर्स। तो ये थे हमारे 28 जनवरी और 15th एंड 16th जनवरी के करंट अफेयर्स। होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में और उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।